तो हे गाइस, हेलो टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे टच हिंदी यूट्यूब चैनल अपडेट विद हैशटैग आरव में। तो गाइस बात करें तो आज हमारे साथ है स्कॉर्पियो S3 और आज इसी की इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे, जहां दोस्तों आपको बताएंगे कि इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग दिखती कैसी है, क्या क्या नए नए फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या आपको गाइस खूबियाँ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ गाइस आपको क्या क्या इनबिल्ट एसेसरीज मिल जाती है दी हैं दोस्तों, लाइक आपका स्पीकर है वो आपको मिलता है कि नहीं, साथ ही साथ गाइस कौन कौन से एसेसरीज आपको अलग से लगानी पड़ती है, उनके प्राइसेस क्या होते हैं वो भी बताएंगे, उनके प्राइसेस को कंपेयर करेंगे ऑनलाइन साइट्स, मार्केट प्राइसेस और शोरूम प्राइसेस से भी, और गाइस ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी एसेसरीज नेसेसरी होती है आपकी गाड़ी के लिए और वो एसेसरीज आप सभी को पक्का लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए भी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ गाइस मैं बताऊंगा कि आपको गाड़ी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एसेसरीज मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली कहूँ तो टूल मिल जाता है जो आपको रिपेयरिंग या फिर इमरजेंसी के टाइम काम आएगा। तो गाइस उसकी आपको मैं प्लेसेस बता दूंगा वीडियो में। तो गाइस आप जब भी इस गाड़ी को परचेस करने जाना तो आप बिल्कुल वो चेक कर लेना कि वो एसेसरीज, वो टूल आपको गाड़ी के अंदर वहाँ उस प्लेस पे अवेलेबल है या फिर नहीं। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइस कि ये 7 सीटर और 9 सीटर में डिफरेंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्कॉर्पियो के हर एक गाड़ी में अब 7 सीटर और 9 सीटर का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस उन दोनों में से कौन अच्छा होता है, साथ ही साथ कौन सा स्टोरेज एरिया बड़ा होता है गाइस, स्टोरेज एरिया भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो गाइस वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है और गाइस बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस वीडियो का एक एक सेकेंड बहुत सारे डिटेल और बहुत सारी जानकारी के साथ आता है और आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। तो गाइस इसलिए मेरी राय होगी कि अगर आप ये स्कॉर्पियो लेने का सोच रहे हो तो गाइस इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करिए और आने वाले बेल आइकन पे भी दबाइए हमारी वीडियो की लेटेस्ट जानकारी बिल्कुल फ्री में पाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट फ्रंट सीट से। बात करें तो हर सीट की तरह ये भी सीट बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। जहां बात करें तो ये एक बहुत बड़े लेगरूम एरिया के साथ आता है, जहां इवन आप अगर स्लिप करना चाहो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करें तो एज यूजुअल आपको सामने की तरफ एक छोटा सा स्टोरेज एरिया या फिर कैबिन कह सकते हो मिल जाता है, जहाँ गाइज महिंद्रा की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट एड किट मिल जाती है हमारे लिए। साथ ही साथ ये जो बॉक्स देख रहे हो गाइस, इस पर आपको सोनी का लोगो दिख रहा होगा, ये मेरे म्यूजिक प्लेयर के रिमोट के लिए है। तो आगे वीडियो में आपको म्यूजिक प्लेयर और रिमोट दोनों दिखा दूंगा। बात करूं तो आकार की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, आकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए 2 एसेसरीज मिल जाती है, जिसे आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हो गाइस, बेसिकली कहूँ तो ये टूल है और सामने की तरफ स्टोरेज एरिया इतना मिलता है गाइस और इसमें आप फाइल भी रख सकते हो। तो गाइस बात करें तो ऊपर की तरफ गाइस आपको सनसेट देखने को मिल जाता है, जिसके मिडिल हिस्से में आप देख सकते हो मिरर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो इसे मैटिंग कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपको बस और बस मार्केट में ही अवेलेबल है, या आप शोरूम या फिर ऑनलाइन नहीं करा सकते हो। इसकी कॉस्ट पर स्क्वायर यूनिट एरिया के तरह से कॉस्ट होती है। जहाँ बात करें तो अराउंड 4000 रुपीज में आपको ये बेस्ट क्वालिटी की मिल जाएगी और बेस्ट क्वालिटी की ही लगाइए। और गाइस इसका निचला हिस्सा रुई टाइप का रहता है, तो गाइस उसमें गंदगी फंस जाती है और फिर निकलने का नाम नहीं लेती और वो बर्बाद हो जाती है आपकी गाड़ी। तो डैट इज़ वाई ये वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी है। और गाइस ये अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आप लगाइए अपनी गाड़ी में। बात करें गाइस जिसके नीचे एक और फ्लोर आप तो देख रहे होगे, आप बोलोगे ये तो रुई का है नहीं, तो गाइस ये भी हमने एक्स्ट्रा एसेसरीज में कराया है। जी हाँ दोस्तों, ये हिस्सा को इसलिए हम लोग ने करवाया है क्योंकि गंदा इवन इसके नीचे चला जाता है आप खून निकालते समय या फिर किसी भी तरह। तो गाइस आप इस हिस्से पे देख सकते हो, ये टोटल एक एक पॉइंट से पैक्ड है और गंदा नीचे नहीं जाएगा। और अराउंड इसका ये भी आपको मार्केट में ही अवेलेबल है, इसे रैक्सिंग कहते हैं, इसकी प्राइस 4000 रुपीज़ है। और बात करें गाइस तो फर्स्ट फ्रंट सीट के नीचे, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ आपको ये टूल देखने को मिल जाता है, जो गाइस कहूँ तो इमरजेंसी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और एक वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी टूल है टायर पंचरिंग या फिर किसी और हालत के लिए भी।
बात करें तो सामने की तरफ मिडिल सेक्शन में स्टीयरिंग व्हील और 12 वोल्ट का एक बैक लाइट के साथ चार्जर देखने को मिल जाता है, जहां इमरजेंसी में आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूं गाइस नीचे की तरफ तो ऐप को जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, सीट बेल्ट्स के लिए जगह मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो हैंड ब्रेक के बगल में जो ये बटन्स हैं आपको बस विंडो कंट्रोल करने के लिए मिलते हैं, और विंडो कंट्रोल का बटन बिल्कुल यहीं बस मिलता है, जहाँ आप फिफ्थ बटन से इसे लॉक कर सकते हो सारे बटन्स को और वापस लेकर के अनलॉक। ये हिस्सा है गाइज, ये होल देख रहे हो, इसमें आप अपना फ़ोन चार्ज में ला के रख सकते हो। तो गाइज चलिए अब आ जाते हैं वन ऑफ द मेन सीट ऑफ द स्कॉर्पियो, ड्राइवर सीट। ये भी गाइज बहुत ही कम्फर्टेबल है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े लेगरूम एरिया के साथ आती है। जी हाँ दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पैर स्टीयरिंग व्हील तक या फिर गियर वायर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये एडजस्टेबल सीट्स हैं और अकॉर्डिंग टू योर नीड आप एडजस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट दोनों सीट आपको एडजस्टेबल है। जहाँ बात करें तो ये जो प्लास्टिक वाला आप देख रहे हो हिस्सा गाइज, ये जो रॉड आपको दिख रही होगी प्लास्टिक के अंदर, ये वाला, जी हाँ दोस्तों, इसको आपको ऊपर की तरफ पुश करना होता है, और पीछे करना है तो पीछे कर दो, आगे करना है तो आगे खींच लो, आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। बात करें गाइस तो आप अपने बैक को भी एडजस्ट कर सकते हो, इस बटन को ऊपर की तरफ करके इसे आपको पुश करना होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने किया, ये भी फैसिलिटी आपको इस साइड और उस साइड भी अवेलेबल आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें स्टीयरिंग की, जी हाँ दोस्तों, तो स्टीयरिंग भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ मिलती है। जो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला जो आप देख रहे हो इसे स्टीयरिंग कवर कहा जाता है, और इसको अराउंड 400 रुपीज़ में हमने करवाया है। कैसे कहूँ तो ये इसके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। और बात करें टेक्स्चर की, तो इसका टेक्स्चर डैशबोर्ड जैसा है, जो आपको वीडियो में आगे मैं दिखा दूंगा। इसको शाइनी अपीयरेंस दिया गया है ताकि एक नई लुक के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिले। और बात करें तो सामने की तरफ चमचमाती महिंद्रा की लोगो मिल जाती है, और एक छोटा सा हॉर्न का लोगो भी, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं इसको क्लिक करके आप अपने हॉर्न को एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और आपको दोनों बटन्स मिल जाते हैं एज़ यूजुअल, आपको जो कंट्रोल के मदद के कार रहेंगे। बात करें गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिजिटल और दो मैनुअल आपको मिल जाता है। छोटा सा डिजिटल स्क्रीन गाइस फ्यूल कैपेसिटी ओडोमीटर स्पीडोमीटर दिखाता है। जो गाइस कहूँ तो इसका जो डैशबोर्ड है ये बहुत सारे बैकलाइट्स के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको रात को बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और ईजिली विजिबल भी होंगे। बात करें तो गाइस इसके जो ये फैसिलिटी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हो ढेर सारी बैकलाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको ड्राइविंग ईजियर हो जाएगा इन नाइट ऑल्सो। बात करें ऊपर की तरफ गाइस, तो यहाँ पे आपको जो सनसेट्स मिलते हैं देखने के लिए, उसके अंदर कोई भी मिरर फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस बात करें तो ये जो सीट कवर आप देख रहे हो, ये सीट कवर महिंद्रा के ओरिजिनल सीट कवर हैं, और गाइस कहूँ तो ये इसी स्कॉर्पियो के लिए आते हैं। और ये जो सीट कवर आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छे हैं, और आपको सामने की तरफ स्कॉर्पियो के लोगो भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की। तो गाइस डैशबोर्ड कहूँ तो डैशबोर्ड बहुत ही अच्छे और सुपीरियर लुक के साथ आता है। जहाँ बात करूँ गाइस तो बेसिकली ये तीन स्ट्रक्चर का है। जहाँ पहला देख सकते हो ये वाला जिससे आप देख रहे हो, इसको एक अलग टेक्सचर दिया गया है जो कुछ इस तरह का दिखता है। बात करें दूसरे की तो गाइस वो इजिली विजिबल आपको ये वाला जिससे है ग्रे कलर का, ये गाइस इसका टेक्सचर कहूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ तीसरी और सबसे कम विजिबल जो आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा, ये वाला जिससे आप देख रहे हो यहाँ पे एक अलग प्लास्टिक का यूज़ किया गया है स्टीयरिंग व्हील की तरह। जी हाँ दोस्तों, जिसका अपीयरेंस बहुत ही शाइनी है, आप ये देख सकते हो ये हिस्सा सभी में इसी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ तो इसकी टेक्सचर कुछ इस टाइप की दिखती है। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस बात करें तो एसी के लिए आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं फ्रंट की तरफ, जो एक फर्स्ट ये मिल जाता है राइट साइड, लेफ्ट साइड और मिडिल सेक्शन में 2 मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करूँ तो आपको सामने की तरफ जो म्यूज़िक प्लेयर देखने को मिल जाता है, ये म्यूज़िक प्लेयर आपको इनबिल्ट नहीं मिलता है, ये आपको मार्केट से लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट या फिर ऑनलाइन। मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो म्यूज़िक प्लेयर है ये सोनी की है, और इसे हम लोग ने परचेस किया है मार्केट से। लेकिन गाइस मैं आपको सलाह करूंगा कि आप मार्केट से परचेजिंग मत करना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुझे ये मार्केट में 8,500 रुपीज़ का पड़ा, वहीं मुझे ऑनलाइन प्राइसेस इसकी 7,500 रुपीज़ पड़ी विथ 4 स्पीकर्स। जी हाँ दोस्तों, 4 इंच का और एक मोड था इससे। गाइज मुझे वो सारा मिला के मार्केट में 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया। तो गाइज कहूँ तो ये आप ऑनलाइन ही लेना, इसका रिमोट कुछ स्टेप का दिखता है, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइज। तो गाइज बात करूँ तो फ्रंट में आपको इतना ही देखने को मिलता है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। गाइज मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इसमें की रिमोट नहीं मिलता है इनबिल्ट, आपको सीधा इसमें घुसा के आपको ही लॉक करना पड़ता है।
और वापस इसे घुमा के अनलॉक करना पड़ता है। तो गाइज़ ये मुझे कुछ खामियां नज़र आई इस गाड़ी में, जिसको गाइज़ नहीं होना चाहिए था। तो गाइज़ मिडिल सेक्शन में आ जाते हैं, तो मिडिल सेक्शन भी बहुत ही आपको सुपीरियर और एक्सपेंसिव लुक के साथ आता है। और बात करें तो एक बहुत बड़े लेगरूम एरिया के साथ भी, जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लेगरूम एरिया देखने को मिल जाता है। बात करें तो फ्रंट सीट्स के पिछले हिस्से में गाइज, ये जो सीट कवर है वहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज एरिया मिल जाता है। और बात करें तो गाइज मैं आपको लेगरूम फिर से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारा गैप। जी हाँ दोस्तों, इवन अगर कोई ओल्ड आदमी, कोई बड़ा एजेड आदमी बैठता है तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी। बात करें मिडिल में एसी पॉइंट्स की, तो मिडिल में बस दो एसी पॉइंट मिलते हैं, जो गाइज़ ये देख सकते हो। यहाँ पे बोतल के लिए आपको छोटा सा कॉलम मिल जाता है और दो एडजस्टेबल एसी के पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसको आप अकॉर्डिंग टू योर नीड एडजस्ट कर सकते हो हर डायरेक्शन में। गाइज़ साथ ही साथ आप देख सकते हो कि मिडिल सेक्शन आपको इसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए मददगार रहता है। बात करें गाइज़ एलईडी लाइट्स की, तो इंटीरियर में आपको दो एलईडी लाइट्स देखने को मिलते हैं, एक सामने की तरफ और एक गाइज़ पिछले हिस्से में। जी हाँ दोस्तों, पिछले हिस्से में आपको एक एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती है, तो टोटल दो एलईडी लाइट आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो गाइस बात करूँ तो ये जो सीट्स कवर है ये भी उसी सीट्स कवर का हिस्सा है, और सीट्स कवर अराउंड 7200 रुपीज़ का मुझे पड़ा, जो शोरूम से मैंने लिया है। यहाँ पे आपको सीट्स के बेल्ट के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप इजीली सीट बेल्ट्स मिडिल सेक्शन में भी कनेक्ट कर सकोगे। बात करें गाइस इसका हेड, तो एज यूजुअल ये एडजस्टेबल हेड आ जाता है, जिसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करके ये फिट हो जाता है, और वापस अगर आपको नीचे करना होता है तो गाइस इस बटन को आपको क्लिक कर प्रेस करना होता है, ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाता है। गाइज़ ये तो आपने सभी देखा होगा। मिडिल सेक्शन की बात करें तो ये आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको जो सीट्स कवर में मिल जाते हैं मील पैड के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लंच करना चाहो, यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं रहता है मील पैड, इसको आपको अलग से लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। गाइज़ बात करें तो मिडिल सेक्शन में इतना ही है बात करने के लिए, कर लेते हैं डोर की बात। डोर पे गाइज आपको कोई भी बटन अवेलेबल नहीं रहता है एक्सेप्टेड डोर। तो गाइज बात करें तो आपको, मैंने जैसा पहले बताया, विंडो बटन अवेलेबल नहीं रहता है। बात करें तो आपको विंडो पे गाइज कोई बटन नहीं रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड और एक आप इजीली जिसको कहते हैं ओपनर उसे रहता है, जिसको आप थ्री मोड्स पे यूज़ कर सकते हो। चाइल्ड सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पर बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये देख सकते हो ये चाइल्ड सेफ्टी है, इसमें आप स्क्रू ड्राइवर घुसा दो और वापस राइट की तरफ करोगे तो लॉक हो जाएगा और लेफ्ट की तरफ अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस चाइल्ड सेफ्टी इतनी ही इसके अंदर मिलती है, इसमें आप की का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस चलिए अब चलते हैं बैक सेक्शन में और दिखा देते हैं आपको इसका स्टोरेज एरिया और 7 सीटर और 9 सीटर में क्या डिफरेंस है। पीछे में चमचमाती स्कॉर्पियो S3 की लोगो देखने को मिल जाती है और दूसरी तरफ महिंद्रा की, जहाँ चलिए गाइस फटाफट आपको खोल के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज एरिया देखने को गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो बात करूँ तो बहुत ही बड़ा है और आप बहुत सारे एडजस्ट कर सकते हो सामान और बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। गाइस तो चलिए मैं आपको सीट्स खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस 7 सीटर और 9 सीटर का बेसिक डिफरेंस आपको तभी पता चलेगा। हमारा जो ये वेरिएंट है ये 7 सीटर है और आप देख सकते हो इसके सीट्स बहुत बड़े हैं। गाइस बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा स्पेस मिल जाता है बैठने के बाद भी, जो 9 सीटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके सीट्स बहुत ही चौड़े रहेंगे और मतलब लंबाई उसकी ज़्यादा होगी। तो गाइज़ आपको स्टोरेज एरिया कम हो जाएगा और आप अपना सामान ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइज़ एक मैजिक करते हैं, वो गाइज़ दिस इज़ माय मैजिक। तो इस बात करें तो आपको सीट्स अगर ऊपर कर दिया जाए तो आपको देखने को बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया मिल जाता है, जहाँ आप बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अगर आप चाहो तो, और साथ ही साथ आप चाहो तो सीट्स को वापस नीचे भी कर सकते हो। तो गाइज़ चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए अपडेट विद हैशटैग आरव को। इसी तरह आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप वो अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो गाइज डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन गाइज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे, जी हाँ बिल्कुल यहाँ आपको मौजूद है, उस पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ 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 गाइज। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए अपडेट विद हैशटैग आरव को इसी तरह, और थैंक्स फॉर विंग माय होल वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इसके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, मैं आपको ऑल द टाइम, फोटोज़ हो या फिर कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको